नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने स्टूडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं बाजार स्टाइल रिटेल के आईपीओ के बारे में, जहां आईपीओ आज बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। डे थ्री का सब्सक्रिप्शन किस तरीके का आता हुआ दिखाई दे रहा है। मेनली अगर हम बात करें इस कंपनी की, तो ये कंपनी बंगाल और उड़ीसा साइड में ज्यादातर ऑपरेट करते हुए आपको दिखाई देती है। रिटेल से रिलेटेड यहाँ पे इन कंपनी का कारोबार है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका आईपीओ जो है वो अच्छे खासे साइजेबल साइज का आता हुआ आपको देखने मिल रहा है। 30 अगस्त से 3 सितंबर के बीच आईपीओ खुलता हुआ दिखाई दिया। 389 रुपीज की अपर प्राइस बैंड है इस स्टॉक की। 38 शेयर के लिए आप बोली लगा सकते थे और यहाँ पे जो टोटल इशू साइज था वो था लगभग 2,14,56,947 शेयरों का, यानी कि 834 करोड़ का टोटल इशू साइज था, जहाँ पे फ्रेश इशू था लगभग 148 करोड़ और 686 करोड़ का OFS इस स्टॉक में आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे अलॉटमेंट आपको मिलेगा 4 सितंबर के दिन। 5 सितंबर के दिन आपको रिफंड आता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता, क्रेडिट होंगे आपके डीमैट में। अगर अलॉटमेंट मिलता है शेयर, तो आपको 5 सितंबर को क्रेडिट होंगे और 6 तारीख यानी कि फ्राइडे को 6 सितंबर को इसकी लिस्टिंग होती हुई दिखाई देगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पे किस तरीके के अलॉटमेंट के चांसेस होंगे, ग्रे मार्केट का प्रीमियम क्या चलता हुआ दिख रहा है, क्या लिस्टिंग गेन होगा भी या फिर आपको लिस्टिंग पे नुकसान देखने को मिलेगा, किस तरीके का सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है, वो सारी चीज। लेकिन यहाँ पे आप सबसे पहले समझिए कि कितने शेयर किस किस कैटेगरी में अलॉट करने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं रिटेल सेक्शन में यहाँ पे लगभग 35% के ऑलमोस्ट हिस्से जो थे वो रखे गए थे, लगभग 75 लाख शेयर के आसपास, यानी कि 1,97,393 लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा। ये आप मान के चलिए मैक्सिमम अलॉटीज जो होंगे वो यहाँ पे इतने हो सकते हैं। वहीं अगर एम्प्लॉयज का हिस्सा देख रहे तो लगभग लगभग 28,000 शेयर रखे गए थे एम्प्लॉयज के लिए। वहीं एचएनआईज का हिस्सा अगर आप देखें 32 लाख शेयरों का था, लगभग 15% के आसपास का, और 42,86,000 शेयर यानी कि 20% हिस्सा जो था वो क्यूआईबी का था। वहीं अगर आप देख रहे 30% हिस्सा 64 लाख शेयरों से थोड़ा ज्यादा वो था एंकर इन्वेस्टर, जिससे इन्होंने पहले ही पैसे जो है वो जुटा लिए हैं। अब अगर हम देखें सब्सक्रिप्शन आज फाइनल डे का, तो 4:45 बजे तक का अगर आप यहाँ डाटा देखते हैं, 3:45 बजे के आसपास तक का QIB का हिस्सा ऑलमोस्ट 76 टाइम्स भरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ठीक ठाक आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन QIB की तरफ से रिस्पांस मिलता हुआ दिख रहा है। 12,700 करोड़ के आसपास की बोलियां मिली है शाम तक, हो सकता है थोड़ी और यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखाई दे। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर यानी कि HNI सेक्शन अगर आप देखें 59 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पे बड़े HNI जो 10 लाख से ऊपर की बोली लगाते हैं 69 टाइम्स इशू भरा है, और स्मॉल HNI जहाँ पे 10 लाख से नीचे और 2 लाख से ऊपर की बोली लगती है वो ऑलमोस्ट 38-39 टाइम्स भरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन रिटेल सेक्शन की यहाँ पे बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ रिटेल पैसा लगाते हैं, 8.5 गुना अभी तक फिलहाल ये आंकड़ा जो है आपको भरता हुआ दिखाई दे रहा है 8.46%। शाम तक हो सकता है ये आंकड़ा 9 गुने तक का आपको देखने को मिल जाए, तो यहाँ से और भी थोड़ा सब्सक्रिप्शन शाम तक आपको देखने मिल सकता है। एम्प्लॉय का हिस्सा भी अगर आप देख रहे हैं 33 टाइम्स से ज्यादा भरता हुआ दिख रहा है, टोटल इशू ऑलमोस्ट 38-39 टाइम्स भरता हुआ दिख रहा है, यानी कि जो टोटल बोली आती हुई दिख रही है वो लगभग लगभग 22,600 करोड़ के आसपास की देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अलॉटमेंट के जो चांसेस है वो 8 पे 1 के आसपास देखने मिल रहे हैं, 7 या 8 लोगों पे किसी एक को अलॉटमेंट यहाँ पे मिलती हुई दिखाई देगी। तो अलॉटमेंट चांसेस तो यहाँ पे आपको कम देखने मिल रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे बस चलता हुआ दिख रहा था ग्रे मार्केट की प्रीमियम पूरी तरीके से जो है वो फिजल आउट होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर जिस दिन ये आईपीओ ओपन हुआ था उस दिन अगर आप देख रहे हैं, जिस दिन 30 अगस्त का दिन था, 389 के प्राइस के मुकाबले 126 रुपए के आसपास की प्रीमियम चल रही थी ग्रे मार्केट, यानी कि उस दिन लगभग 32-35% के आसपास के जो गेन थे वो आपको देखने को मिल सकते थे। ऐसा लग रहा था कि 32-33% की ऊपर की लिस्टिंग देखने मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे डे निकलते गए आपको यहाँ पे लगातार प्रीमियम में गिरावट देखने मिल रही। 31 तारीख को 95, 1 सितंबर को 85, 2 सितंबर को यहाँ पे 65, और आज यानी कि जहाँ 3 सितंबर को आईपीओ क्लोज होता हुआ दिख रहा है, फिलहाल अभी ये प्रीमियम चल रही है 47 रुपीज के आसपास की, यानी कि जो लिस्टिंग गेन के चांसेस है वो मात्र 12% के आसपास का लिस्टिंग गेन मिल सकता है अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है। फिलहाल ये जो टेंटेटिव प्राइस देखने में रहा है 436 के आसपास का वो हो सकता है। अब हो सकता है कि शाम को या कल तक ये फिर से प्रीमियम बढ़ती हुई दिखाई दे, तो कहा नहीं आ सकता, क्योंकि ये ग्रे मार्केट में ट्रेंड होता है। जरूरी नहीं कि इसी के आसपास लिस्ट हो, कभी कभी इससे अच्छे प्राइस पे भी लिस्टिंग होती है और कभी कभी इससे फालतू प्राइस पे भी जो है वो लिस्टिंग आपको देखने को मिल सकती है। जैसा कि आज हमने देखा
एनर्जीज का जो आईपीओ वो लिस्ट होता है वो दिखाई दिया। ग्रे मार्केट में ऐसा लग रहा था कि ऑलमोस्ट डबल स्टॉक लिस्ट हो सकता है 102 105% के आसपास, लेकिन लिस्टिंग हुई 120% के शानदार गेन के साथ। तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिली। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि 12% के आसपास का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है 15-20% ऊपर भी खुल जाए और हो सकता है 5% ऊपर भी ले दे के खुल जाए, तो बहुत बड़ी चीज है। तो अब देखने वाली चीज होगी कि अलॉटमेंट आपको किस तरीके से मिलता है। अलॉटमेंट के जो चांसेस है रिटेल सेक्शन में वो उतने ज्यादा नहीं है, 7-8 में 1 लोगों को यहाँ पे अलॉटमेंट मिलता हुआ फिलहाल देखने को मिल सकता है। अब हो सकता है कि अगर 1-2 दिन में यहाँ प्रीमियम बढ़ जाए, 20-25% के आसपास वापस पहुंच जाए, तो एक अच्छी चीजें मानी जा सकती है। आपको क्या लगता है यहाँ से प्रीमियम बढ़ेगी या घटेगी, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।